एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज फिर से मैं कुछ डिफरेंट सा हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ आप लोग के लिए, जो कि आप सिर्फ एक क्लचर की मदद से बनाओगे, वो भी छोटे वाले क्लचर की मदद से। तो किस तरीके से बनाना है सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है और कितने हेयर स्टाइल है वो भी आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी तो ही पता चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है सिलाई पोस्ट, जिसपे मैं सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज डालते रहती हूँ, सभी वीडियो डालते रहती हूँ और सिलाई में जो भी बारीकियाँ आप गलती करते हो, मिस्टेक करते हो, वो सारी चीज़ों पर वीडियो लेकर आते रहती हूँ। तो और डिजाइनर ड्रेस भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो जाकर उस चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा उस चैनल पर भी। और मेरी इंस्टा आईडी है PreetTiwari24, तो वहाँ पर मेरी रील्स वीडियो देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए बहुत बातें होगी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक क्लचर की वजह से आप कौन कौन सी हेयर स्टाइल बना सकते हो वो आप देखो। कल का भी मैंने डाला था फ्लैट क्लचर की मदद से आप 5 अमेजिंग हेयर स्टाइल बताए थे, जो कि बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल थे। आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो उस क्लचर की मदद से हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट हेयर स्टाइल हमारा होगा जो कि बहुत थोड़े दिन पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला था वो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा तामझाम था, मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती थी, जुड़ा क्लिप, रबर बैंड, सब कुछ। तो इसको मैं सिंपली एक क्लचर की मदद से बता रही हूँ। हाँ, आपको ईयर टू ईयर पार्टिंग करके अपने हेयर को ले लेना है और अपने बालों को सिंपली इस तरीके से लेना है, और जैसे आप जूड़ा बनाते हो उस तरीके से जूड़ा बनाना है हाफ बालों में, और इस तरीके से करके। और आपको यहाँ पे देखिए हल्का सा मैंने पफ का भी लुक दिया है, आपकी मर्ज़ी, आप फ्लैट चाहो तो फ्लैट रख सकते हो, और पफ का लुक चाहिए तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो देखिए मेरा फर्स्ट हेयर स्टाइल सिर्फ एक क्लचर की मदद से, और ऐसा नहीं है कि ये खुल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, खुलेगा नहीं है, बिल्कुल टाइट रहता है। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया छोटे से क्लचर की मदद से। फ्रंट से ऐसा लुक है, बैक से कुछ तरीके का है। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, रूल वालों को ओपन करना है और सिंपली आपको इस तरीके से इधर से हेयर इधर लेके जाना है, फिर इधर से इधर लेके जाना है, ऐसे ही, मतलब एक लाइन निकलनी चाहिए, ज़्यादा हेयर नहीं लेना है, बीच से बस इस तरीके से हेयर को लेके जाना है। आप चाहो तो इस तरीके से एकदम पास से निकाल सकते हो ये वाला हेयर स्टाइल, इस तरीके से बनाते जाना है। तो ये छोटी सी क्लचर की मदद से आप ये सारे हेयर स्टाइल बना सकते हो। मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके की बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस हेयर स्टाइल से रिलेटेड मिलेंगी। और प्लीज़ ड्रेस डिज़ाइन वाले चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, सिलाई कोर्स, जिससे सिलाई कोर्स आप सीख सकते हो। फिर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे सिंपली आपको क्लचर लगा देना है, तो ये आपका लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। और ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया, ईजी क्विक 1 मिनट में आप ये छोटे से क्लचर से ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो ये हमारा देखिए कितना प्यारा लग रहा था, तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा आगे की तरफ पूरी करके क्लचर को दोबारा से खोल के अटैच कर दो, तो इस तरीके से पफ का लुक और ये वाला हेयर स्टाइल हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, थर्ड हेयर स्टाइल के लिए आपको बीच की मांग निकालनी है और सिंपली यहाँ से थोड़े थोड़े ज़्यादा हेयर लेके ऐसे उठा के ले जाना है और यहाँ पे क्लचर लगा देना है। ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। ये साड़ी के साथ ज़्यादा अच्छा दिखेगा, आप चाहोगे यहाँ से इस तरीके से लेयर्स भी निकाल सकते हो, अगर आपके बाल बहुत स्ट्रेट हैं तो कर्ल हैं तो आप ये लेयर मत निकालिएगा, ओके। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। ये सारे ओपन हेयर्स के लिए हेयर स्टाइल बता रही हूँ मैं। फोर्थ हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, जैसे आप पफ बनाते हो, अगर आपको पफ बनाने में दिक्कत आता है तो भी मैं एक टिप बता रही हूँ जिससे आप बहुत इजीली 1 क्लचर की मदद से आप अपना पफ बना लोगे। जितना बड़ा पफ बनाना है, अगर आपको पूरा लेना है तो आप पूरा ले सकते हो, हाफ लेना है तो आप हाफ ले सकते हो। उसके वजह से जैसे आपके हेयर अगर क्लचर से नहीं टिक रहे हैं तो हल्का सा ट्विस्ट करना है, आगे की तरफ फुल करना है, और जैसे आप क्लचर लगाते हो तो यहाँ पे लगाते हो तो आपका ये जो पफ है वो खुल जाता है। तो आपने जो ये ट्विस्ट किया है, जस्ट जो आपके पफ के अंदर हेयर है वहाँ पे आप ये क्लचर लगाओगे तो आपका पफ बिल्कुल भी नहीं खुलेगा,
और बहुत लॉन्ग टाइम तक ये ऐसे का ऐसे रहेगा। तो ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया, बहुत इजी है। जिनको बिल्कुल भी हेयर स्टाइल नहीं आता वो सिंपली इस वाले एक छोटे से क्लचर की मदद से ये सारी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। कॉलेज गर्ल्स भी बना सकती हैं, और ओपन हेयर रखना है तो बना सकते हो। जींस टॉप के साथ ही सारी हेयर स्टाइल आपको आप इजीली बना सकते हो। और एक तो बहुत ही सिंपल है जो कि सभी लोग बनाते होंगे, वो भी बता देती हूँ आपको। मुझे सिर्फ एक क्लचर किसे बनाना था इसलिए मैंने इतने इजी इजी हेयर स्टाइल बताए हैं। सिंपली हाफ हेयर में थोड़ा नीचे की तरफ लेना है और यहाँ पे आपको क्लचर लगा देना है। ओके, क्लचर लगाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा बालों को खींच लेंगे ताकि आपके बालों में बाउंस आ जाए और थोड़ा सा वॉल्यूम दिखे। ओके, इसको खींचने में वैसे देखिए आगे से कितना अच्छा मेरा पफ सा लुक आ रहा है। और उसके वैसे आप ईयर के पास से और इधर से अपने लेयर्स को निकाल दें। दैट्स इट, ये आपका पाँचवा हेयर स्टाइल हो गया इस छोटे से क्लचर की मदद से। तो आई होप कि आज का सारा वीडियो आपको पसंद आया हो और बहुत आसानी से आप ये सारे बना पाओ। जिनको बिल्कुल भी हेयर स्टाइल नहीं आता है वो भी ये सारे हेयर स्टाइल बना के अपना पार्टी इंजॉय कर सकते हो, कॉलेज जा सकते हो। जिस टॉप के साथ आप कुछ कंफ्यूज हो तो इस टाइप की हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो कैसी लगी आपको वीडियो और कौन सी हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया मेरा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करोगे। आपकी सपोर्ट की मदद से मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि मैं इतना आगे बढ़ पाऊँगी, लेकिन आप लोगों ने मेरा अच्छा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक्स टू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।